सर, आईओएन आईओएन एक्सचेंज। देखिए, आयन एक्सचेंज में नंबर्स तो काफी अच्छे आ गए हैं क्वार्टर टू पे। कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है। और देखिए, ये एक ऐसे प्रोडक्ट सेगमेंट में काम करते हैं, वाटर प्योरिफिकेशन और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको प्रेजेंट कर रहा है। इनफैक्ट दूसरी कंपनी जो इनको कॉम्पीट करती है वो वाटेक वाबाग है, वो भी एक अच्छी कंपनी है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके पास काफी अच्छी ऑर्डर बुक है इंजीनियरिंग स्पेस में। और दूसरी बात जो शायद काफी लोगों को पता नहीं होगा, इनका एक बहुत अच्छा स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है। ये वाटर बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं और जहाँ पे इनका मार्केट शेयर काफी तगड़ा है, मार्जिन्स भी अच्छे बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी तो स्टॉक काफी सिग्निफिकेंटली भाग चुका है। अगर जिनके पास है वो होल्ड करे, थोड़ी अगर स्टॉक में करेक्शन आती है तो खरीदने का मौका समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, ऐसे स्टॉक्स में मार्केट जान चुका है कि ये हाई मोड और हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस वाली कंपनी है, तो इसमें कोई बड़ी करेक्शन आएगी नहीं। फिर भी अगर थोड़ा सा करेक्शन आपको मिलता है तो खरीदने का मौका है। कम से कम साल डेढ़ साल का अगर कोई टाइम फ्रेम रखता है तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। ये है टाइम फ्रेम सर, यहाँ पे अगर है मेरे पास ऑलरेडी कह लीजिए या उस तरीके से, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस कहीं कुछ सजेस्ट करेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि नीचे में शायद वो अभी तो ऐसे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आएगा, तो मोटा मोटी 23 या 23.50 का ही आप एक नीचे का सपोर्ट देख सकते हो, यानी पहला अगर आपका शॉर्ट टर्म पोजिशन है। बट ऊपर के लेवल में मुझे लग रहा है कि यहाँ से कम 2800 2900 ये लेवल इनिशियली आएगा, और उसके बाद ये क्रॉस होता है तो उसके ऊपर भी आपको स्टॉक प्राइस मिलेगा। बट डेफिनेटली थोड़ा पेशेंस और टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा रखना जरूरी है। ठीक है, एक मोटा मोटी कितना टाइम फ्रेम, कितना लेकर के चले, 6 महीने, साल भर साल या भर उससे मुझे ज्यादा? लगता है 6 to 12 months का टाइम फ्रेम रखिए। क्योंकि देखिए, स्टॉक ऐसे लेवल पे पहुंचा है जहाँ पे वो कंसोलिडेट करेगा। अभी दिसंबर का तिमाही रिजल्ट आएगा, जनवरी टू मार्च आएगा। और इस बिजनेस में भी सबसे अच्छी बात है कि ज्यादातर डोमेस्टिक फोकस बिजनेस है, तो इनको यूरोप से या यूएस से कोई लेना देना है नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की विजिबिलिटी काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये रहा है आईओएन एक्सचेंज।